गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम पढ़ रहे थे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने कुछ सेल ऑर्गेनिक्स पढ़ ली थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज राइबोसोम। लास्ट जो सेल ऑर्गेनिक पढ़ी थी हमने दैट वाज प्लास्टिड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लास्टिड के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से एक प्लास्टिड जो है एक टाइप है दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ हमने डिस्कस की थी। अब इन्हीं सेल ऑर्गेनिक्स में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राइबोसोम। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है राइबोसोम का आपको अच्छी तरह पता है बच्चों, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सी सेल ऑर्गेनिक्स है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राइबोसोम में किसी तरह की कोई सेल ऑर्गेनिक प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एंड द टर्म जो राइबोसोम है सबसे पहले जो बताया गया था जिसके बारे में, वो किसने बताया था राइबोसोम के बारे में, जॉर्ज पेलेट ने। ठीक है, इन 1953 ही डिस्कवर्ड सम ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, राइबोसोम। ठीक है, अब अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ, है वो छोटी सी सेल ऑर्गेनिक बट इसका बहुत मेजर रोल है बेटा। ठीक है, ये हेल्प करती है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, राइबोसोम के मेन फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में। जो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है तो उसमें जो सेल ऑर्गेनेल हेल्प कर रही है दैट इज राइबोसोम। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि राइबोसोम जो है बेटा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किससे मिलकर बनता है ये, आरएनए और प्रोटीन। और आरएनए भी कौन सा है, आरआरएनए। ठीक है, आरएनए के भी हमने टाइप्स पढ़े थे, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फिर आपका हो जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये जो हमारा राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन, उससे मिलके हमारा क्या बनता है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल बनती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहते हैं। राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्या मतलब है, कि ऑर्गेनेल के अंदर ही ऑर्गेनेल है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा, आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, तो मैंने आपको सेवरल टाइम्स बताया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है उनका खुद का, उनकी खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, दे कंटेन राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, ये खुद भी क्या है, ऑर्गेनेल ही है। तो उन ऑर्गेनेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि खुद एक सेल ऑर्गेनेल है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। और तीसरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट ऑल्सो बियर्स राइबोसोम, है ना, राइबोसोम बियर करते हैं ना, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल है। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राइबोसोम जो है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से प्रोटीन बनाने में जो सेल ऑर्गेनेल हमारी काम कर रही है वो क्या है बेटा, राइबोसोम। तो इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है, मैंने जब आपको डिफरेंसेस भी लिखवाए थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, तब भी मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंस जब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो ये दो तरह के मेनली, 80S एंड 70S। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर आपके देखिए कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे आर एब्सेंट, बताया था मैंने आपको। ठीक है, लेकिन राइबोसोम ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी, लेकिन डिफरेंट टाइप्स है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 70S, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज दिस एस हियर, एस क्या है बेटा, इट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन
कॉफिशिएंट भी कह रहे हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये जो एस है यहाँ पे ये क्या है, एस है बेटा, अगर मैं 70S राइबोसोम की बात कर रही हूँ तो सपोज कीजिए ये 70S राइबोसोम है। अगर एक सेल है या कोई सोल्यूशन है तो अगर मैं इसको इस तरह से डिप करती हूँ तो ये कितनी स्पीड से नीचे सेडिमेंट होगा, सेटल डाउन होगा, वो इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट है, दैट मीन्स रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। समझ में आ गई बात? तो इसको हम कह सकते हैं कि दैट इज ये जो एस है इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज, इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी को मेजर कर रहा है उसके साइज को भी बता देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 70S जो राइबोसोम है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में बच्चा आपको दोनों ही 80S राइबोसोम में मिलता है और 70S राइबोसोम में मिलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब 80S राइबोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, यूकैरियोट में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है बेटा साइटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो क्या होता है हमारा 80S, लेकिन जो 70S राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको देखिए जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था उनके जब बायोजेनेसिस की जब हमने बात की थी, आपको याद होगा जब हमने उनके बायोजेनेसिस की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक दी गई थी जिसमें आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक हैं उनसे हमारे जो है यूकैरियोटिक सेल्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या है 70S प्रेजेंट होता है। लेटर ऑन सम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दे आर मॉडिफाइड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया था, उनको एंगल्फ कर लिया था। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है विच इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए अब मैं इनकी सब यूनिट्स की बात करूं। ठीक है, ये जो आपका यूकैरियोट है 80S है 70S है, अब ये 80S जो है 80S को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं उसके सब यूनिट्स में, जो हमारा 80S है। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स टू सब यूनिट्स दैट इज 60S एंड 40S। ठीक है, 60S और 40S है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो 80S है और ये 60-40 क्यों है, इनको कंबाइन करेंगे तो 100 आना चाहिए, यहाँ तो 80 आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एक बात समझिए, ये जो S है ये इसके सब यूनिट का वेट नहीं है, ये इसके सब यूनिट की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। कि 80S को जब आप तोड़ते हैं तो एक लार्ज सब यूनिट बनती है, एक छोटी सब यूनिट बनती है, और ये जो लार्ज और छोटी सब यूनिट है ये किस रेट से सेटल डाउन हो रहे हैं वो इसका यहाँ पे लिखा है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आया समझ में? ठीक है, तो ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये लार्ज यूनिट का, लार्ज जो सब यूनिट है उसका 60S है और जो स्मॉल सब यूनिट है उसका 40S है। समझ में आ गई बात? ठीक है, दूसरी चीज जो 60S और जो 40S है ये दोनों सब यूनिट्स बेटा मिलके क्या बना रही है, डाइमर। ठीक है, ये क्या बना रही है, डाइमर बना रही है। दो यूनिट्स हो गई राइबोसोम की इसलिए इसको हम डाइमर कह रहे हैं। यहाँ जो आयन की जरूरत पड़ती है बेटा फॉर्मेशन पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो उसमें हमें जो आयन रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, इन दोनों सब यूनिट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इंटरेक्शन जो हो रही है किसके थ्रू हो रही है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू। इसी तरह से सेम जो आपका 40S है, दिस 40S सॉरी जो यहाँ हमारा 70S जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस 70S इज डिवाइडेड इनटू 50S एंड 30S। ठीक है, 50S और 30S में डिवाइड हो रहा है। ये जो 50S और 30S है ये क्या हो गई, इसकी सब यूनिट्स हो गए,
ये भी किसके थ्रू जुड़ेंगे बेटा, आयनिक बॉन्ड के थ्रू, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम इनकी सब यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये जो सब यूनिट है वो किस कितने कैसे डिवाइड है, हमें कितना प्रोटीन है कितना आरआरएन है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो राइबोसोम है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो यहाँ देखिए केमिकल कंपोजिशन लिखी हुई है मैंने। अगर मैं बात करूँ 70S जो हमारी यूनिट है, 70S राइबोसोम है, उसमें बेटा 60% आपका होता है राइबोसोमल आरएनए और 40% इज योर प्रोटीन। ठीक है, वही ये केस रिवर्स हो जाता है इन केस ऑफ 80S। 80S में आपका 40% तो क्या है आरआरएनए और 60% हमारा क्या आ जाता है प्रोटीन। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए जो 60S सब यूनिट है 80S की, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स क्या है 28S, 5.8S और 5S। ठीक है, दैट मींस मैं कह सकती हूँ कि जो 60S है वो फर्दर तीन सब यूनिट में डिवाइड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और जो सेडिमेंटेशन रेट है उनका क्या है, 20S है एक का 5.8 है और एक का क्या है 5S। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वही मैं बात करूँ 14S की, 14S जो है हमारा 40S जो है वो डिवाइड हो जाता है राइबोसोमल आरएनए, उसमें कौन सा है 18S। ठीक है, यहाँ 50S की बात करूँ तो 50S इज डिवाइडेड इनटू 23 एंड 5। ठीक है, 23 और 5S में। 30S की जो सब यूनिट है वो क्या है 16S। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो राइबोसोम है उसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलके बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, आरएनए बच्चों तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अभी है नहीं यहाँ पे, आगे पढ़ेंगे हम। राइबोसोमल आरएनए जो है हमारा वो क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए अभी हम देख रहे हैं वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। जो हमारा मैसेंजर आरएनए है एमआरएनए, वो क्या करता है डीएनए किस तरह का आरएनए बनाएगा। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो मैसेंजर आरएनए, वही फिर आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि कौन सी सीक्वेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है डीएनए से, वो मैसेज कौन लेके जा रहा है प्रोटीन के लिए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और जो टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए, देखिए प्रोटीन बनता है, मैंने आपको बताया प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे अमीनो एसिड से। ठीक है, उन अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा वो कौन बताता है बेटा, उसको ट्रांसफर कौन करता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब जो हमारे राइबोसोम की जो यूनिट है, जो राइबोसोम है हमारा, देखिए वो एंजाइम की तरह भी फंक्शन करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसमें हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, उनको लेके कौन आ रहा है टीआरएनए। तो जो ट्रांसफर आरएनए है जब वो अमीनो एसिड कैरी करता है तो उस अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जोड़ेगा कौन, वो जोड़ता है बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, एंड दिस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इज अ राइबोसाइम। राइबोसाइम क्या है, राइबोसोम विच एक्ट एज एन एंजाइम। समझ में आ गया? तो यहां राइबोसोम काम करता है जो हमारा टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे बेटा लेटर ऑन डिटेल में। जो हमारा टीआरएनए है यहां अमीनो एसिड उससे अटैच हो रहा है, तो कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा, कैसे अटैच हो रहा है, वो जो अटैचमेंट है कौन करा रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है, राइबोसाइम। राइबोसाइम मतलब राइबोसोम विच बिहेव एज एन एंजाइम। समझ में आ गया? ठीक है, सेकेंड चीज पॉलीराइबोसोम, मैंने आपको बताया बेटा पॉलीराइबोसोम बहुत बार टर्म आई हुई है। ठीक है, एमआरएनए से जब कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं ये एमआरएनए से जब इस तरह से कई सारे राइबोसोमल सब यूनिट जब अटैच हो रही है तो वो क्या कहला रहा है, पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स मैनी, कई सारे राइबोसोम अटैच हो गए तो एक पॉलीराइबोसोम कहला रहा है। ठीक है, और पॉलीजोम भी वो बता देते हैं, इसको मैंने आपको पहले बुक की बार बताया है, इसको पॉलीजोम भी कहा जाता है। एंड वन मोर टर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज इर्गोसोम।
जो हमारा राइबोसोम है, लार्ज जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उस पर बेटा दो साइट होती है, वन इज पी साइट, अनदर इज ए साइट, ए और पी, ठीक है। ए साइट क्या है? ए साइट वो है जो एक्सेप्ट करती है टीआरएनए। मैंने भी बताया कि जो टीआरएनए है, जब आप 12th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे डिटेल में ट्रांसलेशन प्रोसेस में कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये टीआरएनए जब एक अमीनो एसिड को लेके आता है तो वो सबसे पहले कहां आएगा? ए साइट पे। तो ए साइट पे जब ये आ रहा है तो ये एक्सेप्टर साइट है, जो एक्सेप्ट कर रही है किसको? टीआरएनए, ठीक है। और ये पी साइट जो है ये पेप्टाइडल साइट कहलाती है, दैट मींस यहां पर पूरे अमीनो एसिड्स की चेन बनती है, पूरे अमीनो एसिड एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। ये सारा राइबोसोम के बारे में था बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में, सॉरी, पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बाद हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। आई होप यहां तक सब चीज क्लियर है। कुछ नहीं आ रहा है, क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर दो, फोन करके पूछ सकते हो। जो हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है उसमें भी अपनी क्वेरीज आप बता सकते हो, ठीक है। रेगुलर पढ़िए बेटा, डेली का काम डेली कंप्लीट करो, थोरोली रिवाइज करो सभी चीजों को, एंड प्लस जो मेन चीज है क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व करने हैं बेटा। देखिए, आपको तभी पता चलेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी जो रिविजन है, आपकी जो लर्निंग है कितनी है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात? थैंक यू बेटा।